अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द कार्स मास्टर। तो जी आपके लिए हम टेस्ट ड्राइव लेके आए हैं हैवल H6 HEV की, जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अर्सा से लॉन्च हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा मुझे इनबॉक्स आता था कि इस गाड़ी का रिव्यू लाजमी करें, तो हमने फिलहाल इसकी टेस्ट ड्राइव की है, जिसका डिटेल रिव्यू जो है वो अगली वीडियो के अंदर आ जाएगा। फ़िलहाल के तौर पर आप इसकी जो टेस्ट ड्राइव है वो इन्जॉय करें, और इसकी जो बुकिंग वगैरह है उसकी सारी डिटेल्स आप जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जो इस गाड़ी को बनाना चाहते हैं तो आप टेस्ट ड्राइव को इन्जॉय करें। मैंने कोई भी इसके अंदर कट्स एंड वॉइस को नहीं कट किया, ताकि आपको एक ज़्यादा फील आए कि गाड़ी कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, अंदर वॉइसिस हैं, कैबिन वॉइसिस या नहीं है, तो आप इस को ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये सर देखा ना, इसके ऊपर वो शीट जो आप बोल रहे थे, इसके ऊपर वो लगी हुई है। हाँ जी, इधर भी लगी है। हेड्स अप डिस्प्ले बंद है इसका, चल रहा होगा धूप में ना, इस वजह से मैं भी तो नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने नोट किया है कि इसकी हर चीज़ कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड है। आप हॉर्न प्रेस कर देते हैं ना, तो थ्रू कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शन जाती है तो हॉर्न देती है। भजन किस तरफ लेके जाएं? सर जो आपको जो इधर ले जाए, इधर ले जाए, वैसे क्योंकि इधर ट्रक ज़्यादा है, वो ऐसे आगे पीछे आ जाते हैं। हैं जी, उधर से आ भी रहा है ट्रक, उधर ना जाए, इस तरफ इधर इस तरफ, ठीक है इधर वो आ भी रहा है। सीट बेल्ट, बेल्ट का सर वो सिग्नल दे रहा है। उम्र आपको भी लगता है ये भजन फ्रंट भी है। अच्छा, इन दोनों की प्राइसेस का क्या फ़र्क है? प्राइसेस का सर, हाँ सर, ये तो 21 की है ना, 21-59 की, और वो जो है वो जूलियन वो 96 की है सर, 96। अच्छा, इसमें ये फ्रंट व्हील ही आया हुआ है? इसमें फ्रंट व्हील आया और एक 2.0 फोर व्हील ड्राइव भी आई है, लेकिन वो पेट्रोल है ना, वो पेट्रोल है और वो 11 की है सर। नहीं, फिर फर्क तो पीछे कुछ भी नहीं रहा सर, फर्क नहीं रहा, लेकिन वो पेट्रोल और 4x4 है तो वो उसकी एवरेज 10 से 12 तक चलती है सर, अब इसकी 21 करेगी सर। इसे राइट लेने चाहिए, राइट से फिर वापस ले लेना। ये किसके नाम पर जाता है भजन? पे ऑर्डर सर, हमारी जो साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ, आपका आगे नाम आएगा सर, और 19 लाख का पे ऑर्डर बनेगा, और रिमेनिंग हम आपसे सर 35 से 40 दिन बाद कॉल करके आपको बता देंगे, उसी तरह वो पे ऑर्डर बनाना है,
और अगर आपका फॉरन लेने का प्लान है तो वो फिर आपको थोड़ी वो प्रीमियम पे करना पड़ता है। वो कितना? वो सर आपको मिलेगी ये 1:29 की सर। अभी 1:21 है वैसे। 1:21:59 की प्राइस है। 1:29 में आप लेते हैं तो वो आप आज ही ले सकते हैं। सही। नहीं नहीं सासी ने पैसे होते नहीं, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ। वो फिक्स है या उसमें कोई हो जाता है? उसमें निगोशिएबल होता है सर। सही जी सर, उसमें ये तो फिक्स नहीं होती है प्राइस। पिक बड़ी ज़बरदस्त है जी सर, पिक बहुत अच्छी है इसकी स्पीड। लेकिन उसमें ये भी हो जाता है ना कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर प्राइसेस शूट कर गई यहाँ से अंदर ले जी। हाँ वो सर ये होता है कि लोग उठा रहते हैं। होता ही है कि सर उसमें अच्छा इसके इंग्लैंड की तरह है लेफ्ट साइड पे सर इसका, तो वो सर इसमें फिर फ्लक्चुएशन आप 19 लाख से बना रहे हैं तो अगर इसमें कम ज़्यादा प्राइस होती तो वो चार्ज होगी सर। ये भी इको मोड पे है जी। इको मोड पे नॉर्मल मोड पे है ना, इसके मेरे ख्याल इधर से मोड वगैरह भी चेंज हो जाता है सर। इको मोड अच्छा दस रहे हैं कि तुसी बेल्ट नहीं लाई पीछे वाला। पिक्शिक कैसी है? ठीक है यार, बहुत भाई नहीं मीटर वगैरह में चीज़ें चेंज कर सकते हैं? किस तरह मतलब करना, मतलब कि मीटर का ये जो लेआउट है सर ये थोड़ा बड़ा हो के आ जाए? अच्छा नहीं नहीं सर ये ऑप्शन इसमें ऐसे हम बड़ा इसको करते हैं, मतलब मीटर वाला गोल आ जाए इस तरह जिस तरह सोनाटा में है ना। नहीं नहीं सर इसमें नहीं होता जी, इसकी अपडेट्स वगैरह भी आती रहती हैं जी। वो भी अपडेट नहीं आता है इसमें, बल्कि मैनुअल भी पड़ी है हमारे पास। सही है। इतने कोई चीज चेंज नहीं हो सकती है, सिर्फ इस पे कर सकते हैं सर। ये इस पे ये स्क्रीन इसको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसके एसी के डक्ट पीछे नहीं है। पीछे है ना सर ये देखो, ये अच्छा ये है दिखा ना सर। अच्छा वहीं से वापस जाना है? यहाँ से चले जाए, यहाँ से लेफ्ट लें आगे फिर टर्न एक और आएगा वहाँ से वापस चले जाए। तो अगली वाली से लेते हैं ना? नहीं वो बंद होगी सर, यहाँ से लेंगे ना फिर साउंड प्रूफिंग वगैरह भी इसकी बड़ी अच्छी है। हाँ साउंड इंसुलेशन देखिए इसका ना लेन से स्टोन होया तो सेंस कर दी है वाइट करती है ना सर, करके तो आप खींच दी है गाड़ी ने। हाँ जी 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 सर ये भी है क्योंकि ये आपको सर ऑटो पार्क भी करेगी ना सर गाड़ी, ऑटो पार्क इसके सिस्टम पाकिस्तान में होता है ना, ये काफ़ी सारे सिस्टम इसके बंद खुद करने पड़ते हैं सर। वो सही कह रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस के बीच में आ जाती है, मांगने वाला भी पास है सर। यहाँ से आपको देखे ना क्या क्या निकल रहा है, क्या आ रहा है, क्या पता चलता है, वो तो ऑफ करने पड़ता है। बहुत ज़बरदस्त है, कोई बाहर की नॉइज नहीं आ रही है ना जी सर। अभी आगे से जाएंगे चौक से आगे से सर एक राइट टर्न आ जाएगा
अच्छा, जब ये आप लेते हैं तो फिर ये उतार के तो आपको प्रॉपर वो टच, वो दूसरा प्रोटेक्टर लगा देते हैं इसके? नहीं, ये लगेगा यही सर, वो तो आपने मतलब अपने जब परचेज कर लेते तो उसमें आप यूज़ करें उसमें ना, हमारे पास तो ये लगा लगा यही वाली ऊपर शीट है जो हम कई दफ़ा उतार देते हैं क्योंकि इस पर नंबरिंग आ रही समझ नहीं आ रही। वही ना, नंबरिंग में समझ तो नहीं आता सर, वही ना, तो फिर आपको वो लगवा लेगा सेफ्टी के लिए। वो लग जाती है? लग जाती है सर, वो प्रोटेक्टर। मेरा ख्याल है कि कैमरे वालों को लग जाती होगी, इनके पास भी पड़ी होगी। अपना मोबाइल वाले ने बताए आप वो लगा देंगे, वो काट के भी ला देंगे होने ऐसे साइज में, मैं भी पड़ी हो इनके पास। सीधे ही जाएंगे हम, या इस तरफ से होके चले जाते हैं? हाँ, उस तरफ चले जाए, वो तो सीधे से जाते, फिर राइट ले लें यहाँ से, यहाँ से फिर निकलते हैं बाहर, तो राइट ले लें। यार ये तो डरावना हुआ इशारा लाने का। हाँ, मैं क्या गड्डी पाँव पीछे ही आ जाए सीधे ही इस तरफ, तो ये यहाँ लेफ्ट ले। स्टीयरिंग बहुत लाइट है जी, बहुत सॉफ्ट है सर। समझ आती है लोगों ने क्यों इतनी ज्यादा बुक कराई। देखिए ना, आपने ड्राइव किया, आपको अब इसमें सर अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है ना, उसमें भी सर आपको बताया बड़ा, नहीं उसकी बड़ी हेल्प है जी। रात को भी मैं ड्राइव कर रहा था मोटरवे पे, जी जी सर, तो मैंने देखा कि वो मेरा ख्याल है खुद ब खुद आहिस्ता हो जाती है, खुद सर गाड़ी आगे आ गई वो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद स्लो हो जाएगी। आपने लेन चेंज किया खुद तेज हो जाएगी सर, ऐसी आपको स्टीयरिंग पकड़ने की जरूरत नहीं होगी जब आप इसको अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा देते हैं। यहाँ से अंदर जाना है कोई नहीं, इधर से निकल के चले जाते हैं। लेकिन बड़ी सॉफ्ट है जी गाड़ी। अच्छा नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं मेरा, क्योंकि मेरे पास तो वो आपकी फॉर्च्यूनर भी रही है जी, जी सर जी, तो मैं अब उसके साथ कंपैरिजन अभी कर रहा हूँ। देखिए ना, ये आपको पता है कि उसकी फ्यूल कंफर्टेबल कैसी है, ये कैसी है, नहीं इसका भी ऑटोमेटिक है वगैरह। एसी अच्छा, वो छोटी वाली का बहुत तेज था, जोलियन का बहुत तेज है, सीधा हमसे तो चिल्ड है, वो चिल्ड है, ये चिल्ड नहीं है। कैबिन भी बड़ा है ना, कैबिन सर बड़ा है, तो ये अभी है भी डायरेक्ट धूप पड़ रही है जी जी। तो डिमिंग वगैरह इसमें, हाँ ये मैं तुझे कह रहा था, ये देखिए हॉर्न देंगे ना, बाद में जाते हैं, बाद में जाता है ना, ये उधर से क्लियर होके जाता है, सही है ना। हमने वहाँ से होना था राइट, हम गलत हो गए,
बेहतरीन चीज़ है यार। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਓਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੂਲੀਅਨ ਕੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਸ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਰ। ਐਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਤਾ ਨਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਵਰ ਗਿਆ ਸਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ। ਬਸ ਉਸਮੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਵਕਤੀ ਤੋਂ ਪਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਗਾੜੀ। ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਉਨਕੋ ਅੱਛੀ ਲਗਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਰਬੋ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ। ਟਰਬੋ ਗਾੜੀ ਕੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਟਰਬੋ ਵਿਦ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਸਕੋ ਆਪ ਇੱਕਦਮ ਜੱਤ ਸਾਥ ਹੀ ਨਾ। बंद करके नहीं इस तरह नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। जो नॉर्मल जो लियोन है ना जी, वो टर्बो नहीं है जी, ऐसी है, ऐसी उसको आप दिन रात वाएं कोई टेंशन नहीं। अच्छा 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 ठीक। टर्बो का लगा इंटरकूलर साथ लगा हुआ होता है। ठीक है सर। टर्बो गाड़ियाँ पता नहीं अब इसमें वो फंक्शन है या नहीं, जितनी तो हमने पहले रखी है उनमें होता है आपने गाड़ी ऑफ कर दी आप अंदर भी चले गए उसका एक फैन ऑन रहेगा, ऑन रहता है वो वाला, थोड़ी देर ऑन रहता है वो कूल डाउन होता है प्रॉपर, फिर आप उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। चीज अमानत हो ना तो ज्यादा बंदे को केयर ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। ये सर लेकिन जी गाड़ी पसंद आई है। थैंक यू सर। हम फैमिली से मशवरा करके प्लीज़ प्लीज़ आप वैसे हमारा 9 to 6 टाइम है और मंडे को भी ओपन है तो फिर 9 to 6 ही होगा सर। तो महाराज की अगर छुट्टी अगर उसमें करते हैं या ट्यूजडे को करते हैं। सही है। उम्र कितनी स्पेस है डाइट बॉक्स? अच्छी स्पेस बस ठीक है। बहुत पिक है ऑटो का। ये ऑटो होल्ड होती है ये जो ये ऑटो होल्ड